दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिलाओं के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों के मूंछ होती हैं, तो इसका आखिर समुद्रिक शास्त्र में क्या मतलब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कमेंट्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, तो जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर में तो लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी गई है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्यशाली होती है, परंतु समुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्री की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े होते हैं तो वो अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर एक, चमकते नाखून। बहुत महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। ये अपने पति और परिवार के सुख और दुख दोनों का ही ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच कर विचार करना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन को लुत्फ़ उठाना चाहती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखने वाली होती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं जिसकी वजह से आपका परिवार आपसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रहता है। दोस्तों नंबर तीन, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से समझने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों नंबर चार, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दुगना करने का हर संभव प्रयास करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों नंबर पाँच, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरे तरह से विकसित होते हैं, इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर ही रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद ही तो करता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों नंबर छह, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि इनको एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। यानी जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तविक में भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों नंबर सात, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद आती हैं और ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी होती हैं उनको हिरणों वाली आंखों वाला कहा जाता है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। इन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती और कोई कमी नहीं होती। दोस्तों नंबर आठ, नाक के तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह पर तिल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। यदि किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं।
दोस्तों नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल अगर जिस महिला के होते हैं तो वो महिला अस्थाई रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में ये महिला सौभाग्य लेकर जाती है, घर परिवार धन वैभव से भर जाता है। दोस्तों समुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुषों की भाषा में मूंछ कहा जाता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पे बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सेल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती हैं, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती हैं, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवा देते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। दोस्तों अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिला हमेशा गरीबी और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा और बेसुध होना बहुत ही अशुभ माना गया है। वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे या चौड़े या मुंह से बाहर निकल रहे हों तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा हुआ होता है। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियां काफी गंदी रहती हैं तो माँ लक्ष्मी साथ उसका छोड़ देती है, ऐसी महिला अशुभ मानी जाती है। आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल समुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच में गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में बताया जा सकता है। दांतों के बीच में गैप का होना आपको खूबसूरती के नजरिए से बेशक ही दाग के समान लगता हो, लेकिन समुद्रिक शास्त्र में उसे लेकर काफी दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। जानिए इसके बारे में क्या कहा गया है समुद्रिक शास्त्र में। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप होता है वो लोग किस्मत से धनी होते हैं और भविष्य में उनके सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल निकाल पाते। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दखियानूसी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उनका जीवन सुधर जाता है। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं और उन्हें हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करते हैं। इनका प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है और इनका प्यार बहुत निश्चल होता है। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। ये लोग खाने पीने में काफी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने का भी होता है, इसलिए इनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इनका सोशल सर्कल जबरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग ये सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।